जब शैतान ने भगवान को चुनौती दी थी, तब भगवान ने पता है क्या कहा था बेटे? भगवान ने कहा था कि तुम्हें पूरी इजाजत है इंसानों को भटकाने की, लेकिन इंसान जब जब सच्चे दिल से तुम्हें माफी मांगेगा, तब तब वो उसे माफ करेगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा पृष्ठ बनने का मेरा फैसला गलत है, तो बेटे इस कहानी को दोबारा दोहरा लेना, तुम्हें जवाब खुद मिल जाएगा बेटे, खुद मिल जाएगा। जैक, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कितने दिन हो गए इस बात को, अब तो भूल जाओ। आज हेवन से तुम्हारे डैड तुम्हें देख रहे होंगे, तो उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। तुम्हारा पेस्ट बनने का उनका सपना आज शीशे की तरह साफ नजर आ रहा है। तुम्हारा सेल्फलेस बिहेवियर, हेल्पफुल नेचर किसी एक इंसान तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरे समाज में फैले, यही तो चाहते थे वो। उनकी इस एक चाह को पूरी करने के लिए मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। मैं कायर था और खुदगर्ज था। उनकी सेल्फलेस प्यार समाज में बांटने की जो इच्छा थी, उसका इंसाफ मैं अपनी एंजेला तक के साथ नहीं कर पाया। खुदगर्ज इसलिए क्योंकि अपने डैड की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने एंजेला के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। नहीं सोचा कि उसके जज्बातों का क्या होगा, उसका क्या होगा। मैं चाहे कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन एंजेला का गुनहगार मैं हमेशा रहूँगा। जैक, कन्फेशन का टाइम हो गया, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। Father, I have a confession to make. उसका इंसान साथ नहीं कर पाया। Father, मैंने अपने फियांसे को धोखा दिया है। उसके पिता का और मेरा नाजायज रिश्ता था। ये सब अनजाने में नहीं हुआ। हम एक दूसरे के इतने करीब कब आए, पता ही नहीं चला। मैंने ये बात अपने फियांसे को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और फिर एक दिन अचानक, बिना कुछ कहे, उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। और फिर मिलने का मौका ही नहीं मिला। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि मेरे आखिरी समय में अगर मेरे मंगेतर को मेरे हालात पता चलते हैं, तो शायद उसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो मुझे माफ कर सके। जानबूझकर की गई गलती गलती नहीं, गुनाह होता है। इस गुनाह की माफी शायद भगवान तो तुम्हें दे दे, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मंगेतर कभी तुम्हें माफ कर पाएगा? मुझे तो अपने गुनाहों की सजा पहले ही मिल चुकी है। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, वो एड्स का पेशेंट था, और वो इस बात से वाकिफ था। वो तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी दी हुई बेवफाई मेरे मरने का कारण बन चुकी है।
फादर? जब कोई इंसान जाने अनजाने में बुराई का रास्ता चुन लेता है तो उस गुनाह की माफी उसे सही रास्ता दिखा देती है। तुमने पूरी ईमानदारी से अपने गुनाहों का पश्चाताप किया है। मैं दुआ करूंगा कि गॉड तुम्हें तुम्हारे आखिरी वक्त में सुकून दे। थैंक यू फादर।